वेलकम टू माय चैनल आई एम सरसानी आज पढ़ते हैं क्लास टेन इंग्लिश का चैप्टर टी फ्रॉम असम तो गए जैसे हमने पहले पार्ट में गोवा के बारे में पढ़ा दूसरे पार्ट में हमने कूच के बारे में पढ़ा आज हम इंडिया के असम के बारे में पढ़ेंगे और असम की चाय के बारे में पढ़ेंगे बट ये चैप्टर जो है हमारे एन में बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रखा है इस चैप्टर में दो बच्चों के थ्रू हमें टी के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज दी गई है जो लेजेंडरी थ्योरीज या स्टोरीज टी से रिलेटेड बनी हुई हैं उनके बारे में हम जानेंगे और टी हम लोगों की फेवरेट बेवरेज होती है शाम की चाय साथ में बिस्किट और हमारे फेवरेट स्नैक तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है टी के बारे में

करता है अपने दोस्त राजवीर को अपने क्लासमेट राजवीर को इनवाइट करता है कि चलो अब ये गर्मी की छुट्टियों में मैं तो मैं अपने यहां पर लेकर जाता हूं आसाम लेकर जाता हूं वहां पे हम घूमेंगे टी गार्डन्स को देखेंगे जैसे आप नहीं कहते अपने दोस्त को इन्वाइट करते हो अपने घर पर कि अरे गर्मी की छुट्टियां आप आ जाओ हम साथ में मजे करेंगे इंजॉय करेंगे वैसे ही प्रांजल क्या करता है अपने दोस्त राजवीर को कहता है कि हम आसाम चलते हैं तो मेरे घर चलो एंड यू कैन एंजॉय दे और देख सकते हो तुम कि कितना सुंदर है आसाम तो ऐसा ही होता है प्रांजल और अब जो ये राजवीर है दोस्त का नाम है राजवीर प्रांजल है असम के रहने वाले और प्रांजल का ही टी गार्डन के मैनेजर हैं उसके फादर तो अब दोनों ये दोस्त जो है ट्रेन में बैठ के जाएंगे गाइज़ आसाम अब जब वो ट्रेन में बैठ के आसाम जा रही होती है तो बहुत माइनर माइनर डिटेल्स हमें चैप्टर में बताई गई हैं जैसे ट्रेन में चाय बिकती है एंड ऑल दैट और राजवीर जो है गाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड है आसाम जाने के लिए तो राजवीर अपना बहुत अच्छे से होमवर्क करके आया आसाम जाने के लिए पूरे रास्ते वो जो है अपने दोस्त पांजल को चाय से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगा और वहाँ जाके भी वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसने आज तक इतनी ग्रीनरी नहीं देखी अगर आप कभी आसाम गए हो या अगर आप आसाम रहते हो तो आपको पता होगा कि वहां पे इतने सारे टी गार्डन्स और उस ग्रीनरी को देखकर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो लेट्स सी जब वो दोनों एनसीआर तो तो के डायरेक्ट थ्रेड नोट्स क्रिएट कर दिए हैं जैसे कि हाँ मैंने एनसीआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करके नोट्स बना दिए आपके लिए अब शुरू करते हैं जैसे आवाज आती है चाय गर्म गर्म चाय गर्म तो ये कौन कर रहा है ठीक है तो ये आवाज आती है वेंडर की ठीक है वेंडर कौन होते जो चाय बेचने वाले होते हैं वो आते हैं ट्रेन के अंदर चाय बेचने के लिए तो जैसे ही कभी कभी किसी किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है ना तो वहां चाय बेचने वाले और अलग अलग वेंडर्स आ जाते हैं सामान बेचते अगर किसी को जरूरत हो तो वो खरीद ले तो ऐसे एक वेंडर आता है चाय बेचने के लिए तो उसको ऑर्डर कर देता है दो कप ये माइन्यूट डिटेल्स याद रखो दो कप ऑर्डर करता है किस लिए एक अपने लिए एक राजवीर के लिए सिंपल तो वो दो कप चाय के ऑर्डर कर देते हैं और उस समय ट्रेन का डिब्बा था उसमें मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो टी पी रहे थे यानी कि वो चाय पी रहे थे तो इसे हमें एक तरीके से चाय

मुझे तो पता ही नहीं था कि टी इतनी पॉपुलर है तो इससे गायज आप टी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में टी सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम जो है निकाले तो अस्सी करोड़ टी कप्स जो हैं एवरी डे कंज्यूम करे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में तो टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो अब वो ऐसी बात कर रही होती है तो ट्रेन जो है चलना शुरू हो जाती है प्रांजल जो है इस समय अब अपनी डिटेक्टिव बुक खोल के जो है पढ़ना शुरू कर देता है ये दोनों ही बच्चे डिटेक्टिव बुक पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो प्रांजल तो आराम से अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ा होता है

राजवीर जो था गाइस ट्रेन की विंडो से बाहर मैग्निफिशेंट व्यू को देख रहा था बाहर जो जैसी उसने देखा तो एक डेंसली वुडेड हिल्स थी यानी कि घने जंगल वाली हिल्स थी गाइस और उन हिल्स के नीचे क्या था उन हिल्स के नीचे था टी बुशेस का समुंदर यानी कि पीछे तो बुशेस क्या थी पहाड़ियां थी और पहाड़ियों के आगे यहाँ पे क्या था टी बुशेस का समुंदर भाई समुंदर कैसे था तो इतनी सारी टी बुशेस थी गाइस ग्रीन कलर की कि ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर तो ब्लू कलर का होता है और इतना फैला हुआ दिखता है ही ये टी बुशेस इतनी सारी थी कि ऐसा लग रहा था कि टी बुशेस का कोई ग्रीन कलर का समुद्र हो जैसे आप, आप इसको देखो ऐसी तो विंडो, इस विंडो से अब पता है वो टी बुशेस कैसी लग रही थी वो जो टी बुशेस थी ऐसी डोर्फ विंग रेफर करा गया बुक में वो बोनी क्यों लग रही थी क्योंकि गाइस अब जितनी भी टी बुशेस होती है ना उनके बीच बीच में और साइड साइड में जो है बड़े 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 पेड़ लगा दिए जाते हैं उनको शेड देने के लिए जैसे कि टी बुशेस पे ज़्यादा धूप ना पड़े तो ऐसा लग रहा था कि जो वो बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ थे के नीचे सारे के सारे टी बुशेस तो ऐसा लग रहा था कि जो वो बड़े बड़े पेड़ हैं बोना बना रहे हैं या डोर्फ कर रहे हैं हमारी उन टी बुशेस को ये लाइन बुक में गिवन भी है कंफ्यूज मत होना डॉर्फिन टाइनी टी प्लांट्स टॉल स्टर्डी शेड ऑफ ट्रीज तो जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और पेड़ों के नीचे छोटे छोटे टी के पौधे थे तो पेड़ तो इतने ऊंचे और नीचे जो पौधे थे जो टी प्लांट वो छोटे होते थे इसलिए बुक में रेफर करा गया डोरफिन डोर्फिन मतलब होता है बोना ठीक है तो वो बड़े बड़े पेड़ जो थे बोना बना रहे थे किसको टी बुशेस को और वो टी बुशेस के पीछे बड़े बड़े पेड़ क्यों लगाए जाते हैं उनको धूप से बचाने के लिए उनको शेड देने के लिए और जो है इन टी बुशेस की रोज के बीच में डॉल लाइक -like फिगर्स मूव कर रही थी अब डॉल लाइक -like फिगर्स मतलब यहाँ ये फोटो देखो तो ये जो टी प्लांटेशन होती है ये बहुत रोज में होती है ऐसे बिल्कुल ज्योमेट्री फॉलो करती हुई तो उन रोज के बीच में कौन थे टी प्लकर्स थे अब वो जो टी प्लकर्स होते हैं कभी देखा होगा पीछे उनके बास्केट होती है उन्होंने अपने आप को धूप से बचाने के लिए कैसी कैप पहनी होती है और वो एक एक पत्ती को तोड़ के पीछे बास्केट में डालते रहते हैं तो ऐसा लग रहा था दूर से देखकर टाइनी -टाइनी बीच में कुछ डॉल लाइक फिगर्स जो है मूव करिए तो डॉल लाइक फिगर्स कौन है टी प्लकर्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन हु आर द डॉल लाइक फिगर्स तो वो कौन है टी प्लकर्स हैं तो मैंने आपको फोटो में दिखाई दिया और डिस्टेंस में एक अगली सी बिल्डिंग चिमनी में से जो है स्मोक ब्लो कर रही थी तो ये सब देख के राजवीर बहुत एक्साइटेड

टी के बारे में काफ़ी कुछ जान के और पढ़ के आया था तो राजवीर अब अपने दोस्त प्रांजल को कहता है कि तुम्हें पता है मैंने टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है एंड नो वन मोज हू डिस्कवर्ड द टी यानी कि, कि किसी को पता नहीं है कि टीकी डिस्कवरी कैसी हुई है बट देर आर लेजेंड्स लेजेंड्स मतलब कुछ ऐसी पुरानी कहावतें या स्टोरियाँ दे मे बी ट्रू और नॉट ट्रू ठीक है कुछ ऐसी स्टोरीज हैं हमारे पुराने जमाने से चली आई वो सच भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं तो राजवीर अपने दोस्त प्रांजल को कहता है कि टी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा और मैंने सुना है कि की जो ओरिजिनल डिस्कवरी हुई थी उसके बारे में कोई नहीं जानता है कि किसने डिस्कवरी कर दी बट कुछ कहानियां हैं तो अब जो है प्रांजल पूछता है अच्छा बताओ मुझे कौन सी कहानी है टी की डिस्कवरी को लेकर तो चलो पढ़ते हैं टी की डिस्कवरी को लेकर कौन कौन सी लेजेंड्स हैं तो फर्स्ट आप यहाँ पे हमारा नोट बन जाएगा हु डिस्कवर पहली लेजेंड है? है एक चाइनीज और दूसरी है इंडियन तो एक जो पहली स्टोरी है वो क्या है कि एक चाइनीज एम्प्र हुआ करते थे जो हमेशा जो है पानी को बॉयल करके पीते थे अब एक बार क्या होता है कुछ जो है पतियाँ जो है वो उनके पानी में जो पॉट होता है जिसमें बर्तन में जो पानी गर्म हो रहा होता है उसमें गिर जाती है और जब वो उसको पीते हैं तो उसमें एक बहुत डिलीशियस फ्लेवर आता है बहुत ऑथेंटिक सा फ्लेवर आता है तो इट इज़ सेट दैट डेवर टी लीवस और ये कहा जाता है कि वो वो जो पतियाँ उस पानी में गिरी थी उबलते पानी में वो टी लीव्स थी और उसके बाद से जो है टी लीव्स को जो है पानी में उबालकर पीना शुरू कर दिया गया तो पहली चाइनीज वाला लेजेंड क्या है कि एक कैंपर थे वो पानी उबाल के पिया करते थे एक बारी दो पत्ते उनकी जो है फ्यू लीव्स लिखा है फ्यू लीव्स उनके जो है पानी में उबलते पानी में गिर जाती है जब वो उसे पीते हैं तो टेस्टी फ्लेवर आता है और पता चलता है वो कौन से पत्ते थे वो थी टी लीव्स तो प्रांजल कहता है अच्छा भाई दूसरी वाली बताओ दूसरी स्टोरी कौन सी है तो दूसरी है एक इंडियन लेजेंड अब इंडियन लेजेंड क्या है कि एक थे बोधि धर्मा तो जब ये मेडिटेशन करती थी गाइस तो इनको नींद आती थी तो बोधि धर्मा जी क्या करते हैं जब इन मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आती थी तो बोधिजर्मा जी एक दिन क्या करते हैं अपनी जो आईलिड्स हैं गाइस उनको कट कर देते हैं अपनी पलकों को काट देते हैं और जब वो अपने पलकों को काटते हैं तो उससे 10 चाय की पत्तियां जो है उग जाती हैं समझ के आप 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स 10 जो है चाय की पत्तियां उनकी पलकों में से उग जाती है और कहा जाता है कि जब उन पत्तियों को उबाल कर जो है हॉट वाटर में उबाल कर जो है पिया जाता है तो वो बैनिश करती है स्लीप को यानी कि उससे नींद नहीं आती है तो ये दूसरी लेजेंड है तो पहली थी चाइनीज एम्प्रेड की दूसरी बुद्धिस्ट मोंग बोधी धर्मा तो की लेजेंड बढ़ी तो इंडियन भी एंड तो जो है चाइनीज भी अब राजवीर कुछ और फैक्ट्स बताता है टी के बारे में तो सबसे पहले राजवीर बताता है कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना टी सबसे पहले चाइना में पी जाती थी इवन अगर हम देखें तो सत्ताईस सौ से टू सेवन से ही चाइना में टी पी जा रही है तभी ये जो वर्ड्स हैं ना चाय और चीनी ये चाइनीज लैंग्वेज से ही डिराइव करे गए हैं वर्ड्स सच सचस टी चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज ये बताया हमें किसने राजवीर ने हमें ये बताया फिर राजवीर कहता है कि टी जो है ना यूरोप में तो सिक्सटीन सेंचुरी में ही आई तो मतलब कि उसने ये कहा कि चाइना में बहुत पहले से टी पी जाती थी यूरोप में टी कब आई सिक्सटीन सेंचुरी में ये वन मार्ग के लिए आप याद रख लो एंड यू नो पहले ज़माने में ट्री को ज़्यादा मेडिसिन की तरह यूज़ करा जाता है यानी कि मेडिसिन की तरह ज़्यादा कंज्यूम करा जाता था रैदर देन बेवरेज आजकल तो बेवरेज की तरह हम पीते हैं ना शाम को चाय पीली बट पहले जमाने में टी को मेडिसिन की तरह ज्यादा यूज किया जाता था रैदर देन बेवरेज अब आगे मूव करते हैं हम इनके टी के फैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं अब क्या होता है द ट्रेन क्लैटर्ड इंटू मरियाना जंक्शन यानी कि जंक्शन पे ट्रेन पहुंच जाती है स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाती है जहां से उन्हें उतर के जो है आसाम के टी गार्डन में प्रांजल के घर पे जाना होता है तो जैसे ही बच्चे उतरते हैं वो अपना लगेज कलेक्ट करते हैं क्राउडेड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कितनी भीड़ होती है अपना लगेज कलेक्ट करते हैं और प्रांजुल के पेरेंट्स उनका जो है प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे होते हैं तो जैसे कि प्रांजल के पेरेंट्स जो है ना उन्हें बच्चों को लेने आ जाते हैं गाड़ी में आए होते हैं अब वो गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं कहां प्रांजल के घर प्रांजल का घर कहाँ है टी एस्टेट पे वहीं तो रहता है वो जिसके मैनेजर है जिस टी एस्टेट के उसके फादर तो वो निकल पड़ते हैं गाड़ी लेके अब उस टी एस्टेट का नाम कहाँ है क्या नाम है उसका जहाँ प्रांजल रहते हैं देकी बड़ी टी एस्टेट ठीक है वो गाड़ी लेके निकलते हैं एक घंटे बाद एक ब्रिज आता है ब्रिज से वो आगे निकलते हैं और एंटर करते हैं देकी बरी टी एस्टेट में देकी बड़ी टी एस्टेट कौन सी है वही टी एस्टेट जिसको प्रांजल के फादर जो है मैनेज करते हैं तो लेट्स सी देकी बरी टी एस्टेट कैसी थी तो टीकी बड़ी टेस्टेड कैसी थी गैस एक बीच में से रोड जा रही थी ग्रे कलर की रोड जा रही है जहाँ पे गाड़ी चल रही है और इधर भी टी बुशेस है इधर भी टू बुशेस है पूरे जगह पे टी बुशेस है बीच में सड़क है और वो टी बुशेस बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल वे में सेम हाइट पर जो है लगी हुई हैं और बीच बीच में ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स कैसे हैं जैसे वो डॉल लाइक फिगर्स मैंने एक्सप्लेन करते हैं ना वैसे ही बहुत सारे टी प्लकर्स जो हैं बास्केट के अंदर पीछे जो है उन्होंने प्लास्टिक के एपरिन पहने हुए और वो प्लक कर रहे हैं न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स को और क्या कर रहे हैं पीछे बास्केट में डाल रहे हैं तो समझ जाओ आप कि वहाँ पे काम चल रहा है जितने भी टी प्लकर्स हैं उन्होंने एपरेंस पहने हैं प्लास्टिक के पीछे उनकी बैम्बू की बास्केट है और वो टी प्लक करके जो है टी लीव्स को प्लक करके पीछे बास्केट में डाल रहे हैं अब क्या होता है सडनली प्रांजल के फादर जो है गाड़ी को जो है थोड़ा धीरे कर देते हैं क्यों करते हैं क्योंकि अभी ट्रैक्टर निकल के जा रहा होता है तो वो गाड़ी को थोड़ा धीरे कर देते हैं तो अब जब वो देखता है ना कौन हमारा राजवीर की वो गाड़ी को उन्होंने स्लो कर दिया ट्रैक्टर में टी भर के जा रही है तो वो तो अपना होमवर्क करके आए वो तो काफ़ी कुछ पढ़ के आया टी गार्डन के बारे में टी लीव्स के बारे में तो वो कहता है दिस इज द सेकंड फ्लैश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इट मिस्टर बरुआ मिस्टर बरुआ कौन है प्रांजल के, के फादर तो जो है राजवीर पूछता है अंकल ये सेकंड फ्लश चल रहा है ना स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है ना अभी ये मई से जुलाई तक चलता है और जितनी भी यील्ड निकलती है इस पीरियड में वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्वालिटी टी जो है वो प्रोवाइड करती है तो मतलब कि वो एक तरीके से उन अंकल को बता रहा है मिस्टर बरुआ को बता रहा है कि आ, ये जो इस समय पर जो ये टी लीव की यील्ड जो निकल रही है ये पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी टी लीव डिलीवर करती है और क्या है ये अभी स्प्राउटिंग सीजन चल रहा है तो ये सुन के जो है जो मिस्टर बरुआ है वो समझ जाते हैं कि भैया राजवीर जो यहाँ आने से पहले पूरा होमवर्क करके आया है सब कुछ जान के आया पता करके आया कि कैसा चलता है हमारा टी गार्डन टी की इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट तो वो कहते हैं यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग तो वो उसको कहते हैं हाँ आप अपना होमवर्क करके आए हो बेटा यहां आने से पहले तो मतलब कि उसने बिल्कुल ठीक कहा तो उसने सही कहा था कि अभी जो है स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है अभी सेकेंड फ्लैश चल रही है और मई से जुलाई तक ये चलेगा और जितनी भी यील्ड अभी निकलेगी वो पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी की टी प्रोवाइड करेगी तो मतलब कि राजवीर ने अपना बहुत अच्छा होमवर्क करा

अपने रिविजन के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन ये उनस्टाग्राम आई डी का वहाँ से एक्सेस कर सकते हो सारी पिक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया सेव करना फोन में नोट्स बनाना एंड इफ यू वॉन्ट अदर चैप्टर्स क्लास टेन की इंग्लिश पढ़नी है ऐसी डिटेल में एस एस पढ़नी है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो प्ले को चेक करो सब कुछ डाल रखा है तो विदर्स बजे के बाद सब लोग मैं मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में